Oh shit, his lipstick is out. Wow. Nice. Ab main ekdum healthy fit ho jaungi guys. Ekdum fit. So finally guys, I'm done with my shoot. Bahut time laga ise shoot karne mein. I'm wearing this dress and pura kachra ho rakha hai abhi everywhere. So my friend Shaman is here and he's having egg. Chadra sala kalu. Oh shit, his lipstick is out. So we ordered food from outside because Didi nahi hai ghar pe. What are you eating, Chiki? Herb rice and chicken paprika. Nice. And I'm eating this. Herb this rice is tofu, veggies and rice. Oh, look at these cute parrots. They're so cute. I love parrots. Good morning everyone. So जो इंसान आने वाला था वो ऑलरेडी आ चुका है. आई एम गोना शो यू कि वो इंसान कौन है जिसका मुझे इंतज़ार था. इंतज़ार था मुझे इंतज़ार. कितनी ओवर एक्टिंग कर रही हूँ मैं. इसके 50 रुपये काट लो. और ये है यास्मीन. यास्मीन आ गई. आई थिंक आई वॉज मैनिफेस्टिंग यास्मीन. पर मैंने कुछ नहीं किया रूपा. मैंने कुछ नहीं कही. अपने आप आई. मैंने कुछ नहीं गेम खेला है इस तरह. मैंने कोई गेम नहीं खेला. साउंड 1-7 एक्शन. यास्मीन अपनी खुशी से अपनी मर्जी से यहाँ पे आई है. मैं अपने आप आई. हाँ देखा वाह क्या एक्टिंग कर रहा है. वाह क्या एक्टिंग कर रहा है. रात को यही बोले थे कि ये बोलेंगे कैमरा के सामने. ये मेरा पति नहीं है, दुश्मन है. तुनारी नहीं, पिशाच नहीं है, पिशाच नहीं. Hi guys, so I am quickly gonna shave my face because उसके बाद मुझे मेकअप करना है. मुझे एक शूट करना है एंड बहुत टाइम से मुझे शूट करना था. बट देन आई हैड फ्यू एक्टिव एक्नेज, बहुत बड़े बड़े, लाइक दिस वन आई गॉट यस्टरडे. सो उससे पहले, सबसे पहले हम करेंगे एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक मुझे बहुत बॉदर करता है, वो है मेरी नेज़ल हेयर. ये जो मशीन है दिस इज़ फ्रॉम wall. So this is the button. You do this, it's on. Now I'm gonna just clean. No pain, nothing. It's good. Now I'm gonna shave my face. And last time मैंने क्या गलती की थी कि मैंने जब अपना फेस शेव किया था दैट टाइम मैंने मॉइस्चराइजर नहीं लगाया था. मैंने ड्राई अपना जस्ट एज इट इज़ मैंने जल्दी जल्दी में फेस शेव कर लिया था. उससे ब्रेकआउट होता है तो ये उस प्रोडक्ट की वजह से भी जो है क्रिटीन बोलते हैं शायद उसकी वजह से एंड उसकी वजह से भी थोड़े थोड़े हो सकते हैं. सो आई एम गोना यूज़ सेटाफिल ऑल ओवर माई फेस एंड देन आई शेव. ओके आई मसाज नाइसली जेंटली. ओके आई शेव इट नाउ. ऑल्सो वेन एवर यू शेव योर फेस ना मेक श्योर अगर बालों का जो डायरेक्शन है ना ये जो ब्लेड है वो उसी साइड पे चलना चाहिए. उल्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए नहीं तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं और या फिर आपको ब्रेकआउट होने का रिस्क है. सो जिस साइड जिस डायरेक्शन में बाल जाते हैं उसी डायरेक्शन में यू हैव टू शेव. ओके सो आई हैव टू लुक इन द मिरर नाउ. इट्स लाइक दिस डायरेक्शन. मैंने लेज़र भी करवाया है बट इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि लेज़र वहाँ काम आता है वहाँ पे अच्छे से वर्क करता है जहाँ पे आपके हेयर थिक होते हैं, लाइक लेग्स के हेयर थिक होते हैं. आर्म्स के इतने ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ते हैं. तो फाइनली गाइस आई एम डन विद माय शूट. बहुत टाइम लगा इसे शूट करने में क्योंकि द ब्रांड दे वांटेड कि सनलाइट आए पूरी और सन आ रहा था जा रहा था एंड आई वॉज लाइक शूट कर रही थी फिर रुक रही थी. बट फाइनली बहुत अच्छा शूट हो गया है एंड देन यू कैन यू नो चेक ऑन माई रील्स. आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस एंड पूरा कचरा हो रखा है अभी एवरीवेयर. थिंग्स आर लाइक गोइंग क्रेजी एंड चिकी गॉट मी दीज फ्लावर्स. सो गाइस फाइनली मैंने एडिटिंग कंप्लीट कर ली और लिटरली 3 घंटे लगे हैं. ये यहाँ पे बैठी है अंजलि. फाइनली बहुत टाइम के बाद मिलने आई है.
सो बस 3 घंटे लगा के एडिटिंग किया है, फाइनली मैंने ब्रांड को वीडियो भेजा है. एंड एक्चुअली मैं जो पहले एडिट करती थी वो इंस्टा से करती थी, बट माई सिस्टर टोल्ड मी कि इन शॉर्ट जो ऐप है उससे वीडियो एडिट करना. एंड एक्चुअली इट्स वेरी गुड, मतलब मैंने आज पहली बार किया है तो मे बी इसलिए टाइम लगा, और वैसे भी मेरा फ़ोन थोड़ा स्लो हो गया है, पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम हुई है. एंड आई नीड अ न्यू फ़ोन, इट्स अ साइन आई नीड अ न्यू फ़ोन. एंड चिराग प्लीज़ गिफ्ट योर लवली वाइफ अ न्यू फ़ोन. Now, I will show you guys that how my husband is studying, okay? Yashmin, जो बना रही है हमारी Yashmin. किसी की नजर नहीं लगे. Yashmin जो है सौते वेजिटेबल्स बना रही है. मेरी बहन के लिए बहुत बुरा लग रहा है. देखो आई एम नॉट अ बिच, मैं एक बहुत अच्छे इंसान हूँ, लेकिन मैं तो अपने मुँह से बोल, मैंने तुझे ऐसा कुछ बोला था लोगों को लग रहा है जैसे मेरा पति मुझे बोल रहा है. चिराग इज लाइक ओ इसने छीन लिया इसका ब्रेन वॉश कर दिया. मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, नहीं किया ना मैंने ऐसा कुछ. नहीं मैं अपनी मर्जी से आई हूँ. हाँ और मैंने इसको ये बोलने के बिल्कुल पैसे नहीं दिए हैं, ये अपनी मर्जी से आई है. दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है. सो दिस इज आवर डिनर. अंजलि इज ऑलरेडी एंजॉयिंग इट, लविंग इट राइट. It's really tasty. It's my favorite actually. It's my favorite. I can literally eat it every day. Every day. Good morning, Pupu ji. What do you want? You want nuts? No. You are a nut already. You can't have nuts. So, good morning, guys. Subah ho gayi hai mamu. And now that Yashmin is here, hume nuts khane ko mil rahe hain. मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, थोड़ी थोड़ी दुख दुख नजर आने लगी. सो आई हैड हाफ अ लीटर ऑफ वाटर, एक पूरा आधा बॉटल मैंने पानी पिया, उससे ज़्यादा ही पिया एक्चुअली पानी. एंड देन आई टुक अ ब्रेक एंड आई वेंट टू द वॉशरूम एंड नाउ आई एम हैविंग वॉलनट्स एंड आमंड एंड रेजिन किशमिश. एंड Yashmin दिल्ली से हमारे लिए सिलबट्टा लेके आई है. हाँ Yashmin अपने सूटकेस में सिलबट्टा लेके आई है गाइस, क्योंकि उसको जो सिलबट्टे में पीस के मसाला बनता है ना वो बहुत टेस्टी बनता है. और बहुत सारे लोगों को नहीं पता बट मोस्टली कलकत्ता में सिलबट्टा ही यूज़ करते हैं. सो दिस इज लाइक रियली गुड. और इसकी सब्जी में जो इसका मसाले का जो टेस्ट आता है ना, उस फ्रेगनेंस आती है, दैट्स डिफरेंट. फॉर ब्रेकफास्ट आई एम हैविंग एवोकाडो टोस्ट, थोड़ी सी चाय विद गुड़ शक्कर. एंड ये भूखा, ही वांट्स एवरीथिंग, यू वांट एवरीथिंग, एवरीथिंग यू वांट. सो आई एम गोना हैव अ बाइट. मैंने ना गुआकामोले टोस्ट बाहर भी खाते देखा है, पर जो घर में बनता ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है. उसमें खट्टा ज़्यादा डाल देते हैं, स्पाइसी नहीं होता, नमक समटाइम्स नहीं होता, पर घर पे जो बनता है वो परफेक्ट बनता है. इफ यू वांट द रेसिपी प्लीज लेट मी नो. सो आई जस्ट हैड मस्क मेलन एंड आई वाज एडिटिंग अ वीडियो फॉर इंस्टाग्राम. मॉर्निंग में आई वाज एडिटिंग अ वीडियो फॉर यूट्यूब. सो या मॉर्निंग आई लाइक बिजी एडिटिंग एंड ऑल. नाउ आई एम गोना टेक बाथ, उसके बाद मुझे कहीं जाना है गाइस, मुझे रेडी होना है, मुझे अपने हेयर बनवाने जाना है, मतलब बनवाने दे हेयर कर्ल्स करवाने जाना है एंड मुझे मेकअप भी करना है. आई एम लेट. सो दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, नॉट रेडी येट, अभी बाल बनवाने हैं, उसके बाद अभी रेडी, अभी जस्ट जाना है, सो शू कर्ल्स करवा लूँ. लेट्स सी, चलो आई एम गेटिंग लेट, बाय. Finally, I'm done with my hair and I love my hair. Thank you. Love it.
Hi guys, so I'm done with the meeting and now I'm going home. मैंने सुबह से avocado toast खाया है and I'm just loving my hair. So बस थोड़ी show off कर रही हूँ. तो मैं घर जाऊँगी, खाना खाऊँगी. I think खाने में कड़ी चावल बनाए हैं आज. क्या बोल रहे दादा? मैंने भी अपना वेट कम किया. कितना वेट कम किया? कम बोले तो खाली पेट कम हुआ है, एक्सरसाइज और वेट. अच्छा खाली पेट कम हुआ, अच्छा है ना, पेट कम होना चाहिए ना. या अभी ये बढ़ाऊंगा इसका. अच्छा आपकी बीवी ने भी तो कम की है. वो तो बहुत पतली हो गई. 82 से 60 पे आए हैं. हाँ. वाह क्या बात है, क्या बात है. मुझे वेट नहीं कम करना, बस मुझे थोड़ा सा भी टोन होना, बस वो मीठा कुछ नहीं खाती. फेस कम करना, वही तो प्रॉब्लम होती है ना दादा. कभी कभी खा लेती हूँ मीठा. हाँ ठीक है, कभी कभी चलता है. देखो कभी कभार गया तो आदत बन. हाँ कभी कभार, मैं भी कभी कभार ही खाती हूँ. महीने में एक बार या दो बार गया तो कोई बात. हाँ. लेकिन जैसे कि आपको डेली चाय पीने का आदत हो या नहीं, नहीं वैसा कुछ आदत नहीं. खाने का आदत हो नहीं, कैसा कुछ आदत नहीं. मीठा थोड़ा बहुत मीठा थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत. वो जो कैलोरीज है ना कैसा मेंटेन करेंगे वो मालूम नहीं था. कैलोरीज अभी आपको पता है कितना कैलोरीज लेना है, कितना कार्ब लेना है, सब पता है. क्या खाने से कितना कैलोरीज रहता है. मेरे को लगता था कि जो भी लोग ऐसे बाहर से प्रोडक्ट लेते हैं उसके ऊपर शायद मैं बड़ा प्राइस देखते होंगे. लेकिन मैं इतने सारे पैसे वाले लोग प्राइस क्यों देखते हो. तब आप पता चला कि वो ये नहीं देखते, ये सब देखते कितना कैलोरीज है, कितना फैट है, क्या कितना है, सब देखते. अभी मालूम हो गया. सो ये है कड़ी चावल जो कि बन गए हैं. थैंक यू याश्मिन, यू आर द बेस्ट याश्मिन. बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है. और मुझे इतनी जोर से सुसू आ रहा था वहाँ पे, मैंने इतना पानी पिया वहाँ पे. तो बस घर आते ही बस खाना खाते हैं हम जल्दी से, उसके बाद जल्दी से मेकअप वॉश करते हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों. सो आज हमारे किचन में क्या बन रहा है याश्मिन? पेस्तो. पेस्तो कहाँ गया? हाँ ये पेस्तो बन रहा है. हम पेस्तो में वो बना रहे हैं स्पेगेटी, पेस्तो स्पेगेटी बना रहे हैं. और ये कुछ तो ये बीच में डालेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा. यहाँ पे जो हमारी ब्रोकली, स्प्रिंग अनियन एंड गार्लिक एंड ब्रोकली, ये तीन हमारे फेवरेट चीज़ें. ओके ठीक है, हम ये सब चीज़ें डालेंगे. उसके बाद है हमारे पास ये सावरडो जिसका हम एवोकाडो टोस्ट बनाएंगे. ये है हमारा एवोकाडो जो कि बहुत ही सुंदर है. सो टुडे जो ब्रेकफास्ट है हम बहुत ज़्यादा हैवी खाने वाले हैं. वैसे तो ब्रेकफास्ट इतना ज़्यादा हैवी नहीं खाना चाहिए, लंच खाना चाहिए. बट स्टिल आज हम हैवी ब्रेकफास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज घर में बहुत काम है. मेरे पिछले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मेरी क्लॉजेट की हालत क्या हो रखी थी. बिकॉज जब मैं दिल्ली जा रही थी सब मैंने पैक किया, मैंने सब कुछ बिखेर दिया था. तो आज मैं अपना वार्डरोब याश्मिन की हेल्प से वार्डरोब अपना ठीक करूँगी. एंड उसके बाद हम लोग किचन भी अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे क्योंकि पिछली वाली जो दीदी थी वो उन्होंने अपने हिसाब से सेट किया था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ें कहाँ पे क्या हैं. सो विल सेट द किचन ऑल्सो. एंड बाय द वे गाइस, कल हम लोग मार्केट गए थे एंड आई गॉट दिस बॉटल फॉर माई सेल्फ. तो स्पेगेटी हमारी बन चुकी है, इसके पास पानी निकालना है. और ये सावरडो जो है यहाँ पे कट किया जा रहा है. तो इसके हमने डाला थोड़ा सा पेस्तो बस. हाँ थोड़ा सा और डाल दे क्योंकि तू और मैं भैया ही खा रहे हैं. तू और नहीं, भैया नहीं खा रहे हैं, तू और मैं ही खा रहे हैं. बस ये, हाँ बस ये रख देते हैं. अब हम चिली ऑयल, थोड़ा सा चिली ऑयल डालेंगे ताकि थोड़ा सा स्पाइसी लगे. वैसे तो नहीं डलता है पर हमारी मर्जी. अब हम डाल देंगे नियत थी इसमें इसलिए ये गिर गया. ये भी हो सकता है कि तुमने कभी पहले किया ना हो. मैंने किया पहले बहुत बार. तो हमारा जो स्पेगेटी है पेस्तो वो बन चुका है. इसको खा के बहुत मज़ा आएगा, खा के बताएंगे कैसा है. नाइस. ये दोबारा हम बना रहे हैं. यू इट्स हैपेंड बिकॉज ऑफ यू. चल आजा. सो ये है हमारा पेस्टा स्पेगेटी फाइनली रेडी और उसने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है.
and this is our guacamole avocado toast. खाया नहीं भैया खा रहे हैं हाँ डाल दे इसके ऊपर कोई बात नहीं हाँ ले आ ले आ How's it? That's mine. Yeah. इस इंसान ने बोलते ही खाएगा नहीं Look at him now. Purposely, because you didn't let me. So finally, we are cleaning the closet, guys. So ये है मेरे कबर्ड की हालत ये मेरे जिम वेयर इसमें रहता है तो जो मैं कपड़े नहीं पहन रही हूँ इतने सालों से मैं सब निकाल रही हूँ एंड दिस वन इज स्लीपिंग हियर ही थिंक्स ही इज हेल्पिंग मी ओके ये हेल्पिंग मी ओनली अच्छी पे भूली को कुली एंड ये मेरे इंडियन वेयर है इसमें से भी काफ़ी कपड़े निकाल देंगे और ये याश्मिन है याश्मिन कौन सा गाना सुन रहे थे अभी तेरा फेवरेट तेरी बधाई क्यों बता फेवर फेवर हाँ तो हम लोगों ने थोड़ा म्यूजिक व्यूजिक लगाया ताकि हमारा मूड बने काम करने का तो फेवर सॉन्ग है वो हम सुन रहे हैं और काम कर रहे हैं अभी लगा नहीं सकते म्यूजिक लगा दिया क्या डार्लिंग बोल ना अरे बोल अभी नहीं जब मैं प्रॉपर इंग्लिश सीख जाऊँ चल ठीक है ये याश्मिन जो है हमारी इंग्लिश सीख रही है एकदम इंग्लिश इंग्लिश हो जाएगी